नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 मार्च 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज होली है और उम्मीद करेंगे कि अगली होली तक आप लोग सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पा जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगली होली तक आपको नौकरी मिल जाए। और इसी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। जी हाँ दोस्तों, 17,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। और आपको बता दें, इस भर्ती में जो पद है 17,000 से बढ़ाकर 40 से 50,000 तक किए जा सकते हैं आने वाले समय में। तो ये बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, केंद्रीय विद्यालय इपको फूलपुर प्रयागराज में एक अपडेट आती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ पद खाली हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी है, संविदा बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यूपी टेट रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया, जहाँ से आपको यूपी टेट का रिजल्ट अपना डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारी डीएलएड परीक्षा की डेट शीट आप देख सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर की डेट शीट ये रही, तृतीय सेमेस्टर डेट शीट ये रही। तो गाइस, अप्रैल में पेपर होना कंफर्म हो चुका है, तो परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। बस होली बीतते ही आप लोग पढ़ाई में लग जाइएगा, समय कम है, गलती से भी आप फेल नहीं होना है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, कोरोना के मामले जरा देख लीजिए। हमारे देश में दोस्तों कोरोना के केसेस भले ही कम हो, लेकिन दुनिया भर में दोस्तों 20 लाख से ज्यादा मामले 24 घंटे के अंदर आए। जर्मनी में 2,96,000 से ज्यादा मामले, फ्रांस में 1 लाख से अधिक मामले, ठीक है। हमारे देश में दोस्तों कोरोना के मामले बढ़ चुके थे, इसलिए अब इस समय केसेस कम है। लेकिन जब चौथी लहर आएगी ना, तो हो सकता है उस समय 2021 बैच का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हो, तो उस समय दोस्तों आपके प्रमोट के आसार बन सकते हैं। लेकिन प्रमोट का फायदा सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जिन बच्चों की कोई बैक नहीं होती। तो इस बात को जरा ध्यान रखना है कि आप गलती से भी फेल नहीं होना है। जब भी आपका रिजल्ट डाउनलोड हो, रिजल्ट में क्या लिखा होना चाहिए, पास। तो तैयारी में लगे रहिए। हमारे स्कूटी का रिजल्ट आ चुका है, एक बार दोस्तों आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्कूटी का रिजल्ट डाउनलोड करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अगर बैक क्लियर है तो फिर बढ़िया है, अगर बैक क्लियर नहीं तो बैक परीक्षा की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट, तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जहां से आप लोग डीएलएड परीक्षा की डेट शीट से लेकर स्कूटनी का रिजल्ट, ठीक है, और उसके बाद सीटेट का रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर ये है, 2019 बैच में आप लोग दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में दो बार अगर आपकी बैक लग चुकी है, तो ये आपके पास अंतिम मौका होगा। उसके बाद भी प्रत्यावेदन करके मौका मिल जाता है, लेकिन ये आप अंतिम अवसर समझ कर आपको पेपर देना है, ताकि बैक आपके हर हालत में इस बार क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप दोस्तों, में जैसे भी विज्ञप्ति दिखाई कि केंद्रीय विद्यालय में निकली संविदा आधारित शिक्षक भर्ती। एक और दोस्तों बड़ी कार्रवाई की गई है, टीईटी प्रकरण को लेकर डीआईओएस को निलंबित कर दिया गया। ये अपडेट दोस्तों हमारी आजमगढ़ से, तो देखिए नई नई अपडेट निकल कर आ रही है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, कोई भी खबर छूटेगी नहीं आपसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की सूचिता भंग करने के मामले को लेकर शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर जिला अधिकारी की संस्तुति पर शासन ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है, तो ये दोस्तों बड़ी बात थी। और उसके बाद देख सकते हैं, 2,000 शिक्षक करेंगे कच्छ निरीक्षक की ड्यूटी। ये अपडेट सिद्धार्थ नगर से निकल कर आ रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में कच्छ निरीक्षक की ड्यूटी ऑनलाइन लगाई जाएगी। नकल विहीन बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 2,000 से अधिक शिक्षकों को कच्छ निरीक्षक बनाया जाएगा। परीक्षा की विभागीय तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा यूपी बोर्ड का पेपर 24 मार्च से शुरू ना होता, तो हमारा जो डीएलएड का एग्जाम था उसको मार्च में ही करा लिया जाता। आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी तक तो ये हो रहा था कि जैसे चुनाव समाप्त होगा डीएलएड की परीक्षा शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन अब आपको बता दें भैया, हमारा जो डीएलएड का सेंटर जाता है ना, वो सरकारी स्कूलों में ही जाता है। तो पहले सरकारी स्कूल वाले अपना पेपर देखेंगे यूपी बोर्ड का कि डीएलएड का देखेंगे, सिंपल सी बात है। इसलिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है कि यूपी बोर्ड का पेपर 12 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 24 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद हमारी परीक्षा की तारीख आ जाएगी, जहां पर डीएलएड सभी सेमेस्टर का एग्जाम होगा। याद रखिए, चाहे आप दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड या फोर्थ, ठीक है। अब जिस बच्चे की बैग जो भी सेमेस्टर में लगी हो, उसको आपको क्लियर कर लेना है। एक और बात जरा ध्यान में रखिएगा, कल को जब आप लोग टीचर बन जाएंगे, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी वाली होती है। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सहायक अध्यापक पर केस हो गया है। तो भैया ठीक है, आप जब आपको नौकरी मिल जाए, अगर आप सरकारी टीचर हैं,
तो सरकार के खिलाफ मत जाइए, ठीक है? अगर आप प्राइवेट टीचर हो तो एक बार बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी हैं तो सरकार के खिलाफ जाने का क्या मतलब है? हो सकता है कि आपको निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड हो जाए आप। इतनी मेहनत से गाइस आजकल नौकरी मिलती है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? फिलहाल जब तक आप टीचर नहीं, तब तक धरना दे रहे हम लोग सरकार के खिलाफ कि हमारा पेपर हो, रिजल्ट ठीक से आए। और यूपी टेट का रिजल्ट को लेकर भी दोस्तों काफी ज्यादा बवाल हुआ। अभी आप देखिएगा जब फाइनल आंसर की आएगी ना, जब नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा तब देखिएगा बवाल कैसे होता है, ठीक है? बवाल में क्या होता है कि मामला कोर्ट में चला जाता है। सोचिए, बच्चों के चंदा इकट्ठा किया जाता है, मतलब एक अच्छा खासा मैटर फंस जाता है। यूपी टेट 2017 के सोचिए 90 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ऐसा दोस्तों कभी हुआ नहीं होगा आज तक कि इतने बड़े एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो पुराने क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाए। मतलब 90 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होना, मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को हो सकता है कि पहले से ये पता रहा हो कि भैया 2017 वाला पेपर पढ़ लो, काम हो जाएगा, तो उनका तो अच्छा खासा फायदा हो गया होगा। बाकी जो बच्चे मेहनत से गए होंगे, हो सकता है कि उनके नंबर आ रहे होंगे लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं होंगे। कल को दोस्तों टेट के बेसिस पर नौकरी कर दी जाए कि भैया जो टेट में ज्यादा नंबर पाएगा उसको नौकरी मिलेगी, तो पता ही है, सोचिए बाकी बच्चों का क्या होगा। 68,500 शिक्षक भर्ती थे दोस्तों, आपको बता दें सुपर टेट का रूल आया। इससे पहले की भर्तियों में टेट से ही काम होता था, लेकिन अब चलिए नियम बदल चुका है। वैसे यूपी टेट हो या सी टेट, बस वहां पर ये देखा जाता है कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं, ठीक है? बाकी नंबर वंबर अभी नहीं देखा जा रहा है, तो फिलहाल अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी, देखिए अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, ठीक है? तो परीक्षा की तैयारी में आप लोग गाइस लगे रहिएगा। कुछ और बातें दोस्तों वीडियो के अंत में देख लें फिर। वैसे भी होली का त्यौहार है, आप लोग बिजी होंगे होली खेलने में, ठीक है? तो ध्यान से खेलिएगा, ज़्यादा चोट वोट बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो वीडियो के अंत में दोस्तों यही बात होगी कि शिक्षक भर्ती तो आने वाली है, तो क्या आपको मौका मिल पाएगा? देखिए दोस्तों, वैकेंसी आने में समय लग जाता है, ठीक है? तो फिलहाल एक बात ये मान के चलिए कि अभी सीटेट जुलाई का जो हमारा पेपर होगा, तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही हमारी भर्ती का नोटिफिकेशन आना चाहिए। इतना जल्दी तो गाइस नहीं लगता कि आ पाएगा। लेखपाल भर्ती के बारे में आपने सुना होगा कि कितने दिन से हो रहा था कि भर्ती आ रही है। और आपको बता दें, सभी बच्चों की मांग ये है हमारी कि 97,000 पदों पर भर्ती आनी चाहिए। अब सरकार 17,000 या 40-50,000 पदों पर भर्ती निकाले तो बच्चे मानेंगे नहीं, तो इसको लेकर धरना होना तय है, तो समय लगेगा। तो फिलहाल अभी आपको परेशान नहीं होना, और उम्मीद करेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी भैया बदल जाएंगे, क्योंकि वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। उसका रीजन था नौकरी ना देना। जी हाँ दोस्तों, जब इतनी ज्यादा इन्होंने बेरोजगारी फैला दी तब क्या होगा, ठीक है? तो सभी बच्चे भैया पढ़ने वाले स्टूडेंट लग गए थे कि भैया उनको तो हराना, बाकी कोई जीते या ना जीते। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं संविदा आधारित नौकरी है, तो कभी 1 साल तक नौकरी रहेगी, कभी 2 साल तक, ये सब मैटर है। बाकी जो भी देखिए अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। डीएलएड में देखिए प्रथम सेमेस्टर में जो दिक्कत होगी ना, संस्कृत में हो सकती है और गणित में, बाकी अन्य विषय काफी ज्यादा आसान है, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट टाइम जब आप पेपर देने जाते हैं तो टेंशन रहती है, तो भैया जो ये मैथ है ना, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इसी में बैक लग सकती है। सेकेंड सेमेस्टर के छात्र तो और ज्यादा ध्यान रखना। और आपको बता दें, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि भैया क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी देखिए जो भी अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए होली है, मस्ती करिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।